हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 8 दिसंबर के करंट अफेयर यानी कि आज रविवार के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा क्योंकि आज मैं आपको भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी कौन सी पार्टी है वो, गवर्नर और उपराज्यपाल, ये सब बताऊंगा। यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल और स्टेट के गवर्नर। तो ये वीडियो में आप एक तरह से इसको रिविजन वीडियो की तरह देखिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की रिक्वेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे की थी। सबसे पहले हिंदी में एकदम आपको राज्यपाल रिवाइज करवाता हूँ सब स्टेट्स के, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। ये डेटा ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है जिसको बोलते हैं india.gov.in। तो ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के सबसे बूढ़े राज्यपाल हैं, इनकी उम्र 85 साल है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ब्रिगेडियर एक रैंक होती है और ब्रिगेडियर रैंक यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ता है सेवानिवृत्त। असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। बिहार के हैं फागू चौहान। छत्तीसगढ़ की हैं अनुसुईया उइके, और अनुसुईया उइके जो हैं ये पहली जनजातीय महिला हैं जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। गोवा की बात करते हैं, गोवा के हैं सत्यपाल मलिक, पहले जम्मू कश्मीर के थे अब गोवा के हैं सत्यपाल मलिक। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, जो पहले हिमाचल के थे अब गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश के हैं बंडारू दत्तात्रेय। और झारखंड के हैं द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक के हैं वाजू भाई वाला, काफ़ी चर्चित थे क्योंकि कर्नाटक में सरकार बदली थी, वाजू भाई वाला। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के हैं लालजी टंडन। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मणिपुर की नजमा हब्तुल्ला हैं, इन्हें सबसे उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला हुआ है। मेघालय के तथागत रॉय। मिजोरम के श्रीधरन पिल्लई, और ये इसी साल बने हैं 2019 में। नागालैंड के हैं आरएन रवि। ओडिशा के प्रोफेसर गणेशी लाल। पंजाब के हैं वीपी सिंह बदनौर, पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के हैं ये। राजस्थान के कलराज मिश्रा। सिक्किम के हैं गंगा प्रसाद। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना की हैं तमिलिसाई सौंदर्य राजन, और ये तेलंगाना की सबसे कम उम्र की राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के हैं रमेश बैस। उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य। पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़। चलिए अब आज की करंट अफेयर देखते हैं। बॉब विलिस, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? बहुत महान खिलाड़ी थे, तेज गेंदबाज थे और 325 विकेट लिए थे इन्होंने टेस्ट मैचों में। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे बॉब विलिस, और कमेंटेटर भी थे। इंग्लैंड में ही वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, और अगला इंडिया में होगा। इंग्लैंड का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल में मैन ऑफ द मैच था बेन स्टोक्स, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो थे केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान। और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। अगर आप इंग्लैंड के अंदर वेल्स और स्कॉटलैंड को जोड़ दें तो ये बन जाता है ब्रिटेन, और अगर आप ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। ये डिफरेंस होता है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, वेल्स की है कार्डिफ, और स्कॉटलैंड की है एडिनबर्ग, इंग्लैंड की लंदन। सशस्त्र बल झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ये हम 1949 से मना रहे हैं, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, हमारी जो सेना है उसका कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश में है उसको सराहने के लिए। हमारी आर्मी के चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, इनके बाद बनेंगे मनोज मुकुंद नरवाने।
मनोज मुकुंद नरवाने और हमारी जो वायुसेना के हैं आरकेएस भदौरिया और नेवी के हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो नेवी डे था 4 दिसंबर को, नेवी डे था ये भी याद रखिए, एयरफोर्स डे था 8 अक्टूबर को। तो 1949 से 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। तीसरे राष्ट्रीय सार्वजनिक क्रय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? क्रय सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, जो कि रेल मंत्री भी हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव। प्रोक्योरमेंट मतलब सामान खरीदना, यानी किसी चीज का क्रय करना, और बेचना मतलब विक्रय। और पीयूष गोयल रेल मंत्री जो हैं, इन्होंने सेवा सर्विस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। पहली सेवा सर्विस ट्रेन चली थी, वो चली थी दिल्ली से शामली के बीच, दिल्ली से शामली। एनेबल स्टार्टअप ट्रैक एक्सेलरेशन प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? एनेबल स्टार्टअप ट्रैक एक्सेलरेशन ये शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा, जिससे जो लोग हैं उन्हें उनकी उद्यमिता में मदद की जा सके और नवाचार में मदद की जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद में पहला वर्चुअल कोर्ट शुरू किया था, वर्चुअल कोर्ट। पंजाब जो है वो न्यूज़ में इसलिए भी था करतारपुर कॉरिडोर की वजह से, बाबा डेरा बाबा नानक जो है गुरदासपुर में, उसको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के करतारपुर से, और ये रावी नदी के ऊपर पुल बनेगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी चंडीगढ़ है। सेबी ने LIC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कितने फीसदी से कम करने का आदेश दिया है? सेबी बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, और इन तीनों का जो स्टेक है वो लगभग 18.24% है तीनों का। यानी LIC का जो हिस्सा है इसमें UTI कंपनी में वो है 18.24, SBI का भी और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी। तो ये कहा है सेबी ने, अब अपना हिस्सा कम करो, यानी अपना कुछ हिस्सा बेचो, तो 10% से कम होना चाहिए ये हिस्सा। और ये डेडलाइन दी है दिसंबर 2020, यानी अगले एक साल में आपको अपनी हिस्सेदारी UTI में कम करनी है 10% से भी कम, ये कहा है सेबी ने। सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी की है, पहला स्थान किसको मिला है? ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन के रूप में बना दिया इसे, जिससे आसान हो जाए। तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है अबेरडीन है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे ये लिस्ट है, ये एक्चुअली लिस्ट ठीक से वो नहीं हो पाई क्योंकि सरकारी वेबसाइट पे इसकी लिपि बिगड़ गई थी। खैर मैं आपको बता देता हूँ, अबेरडीन जो है ये नंबर 1 है और ये अंडमान निकोबार में है। बालासिनोर महीसागर जिले में है गुजरात में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुइस है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी भी हैं, एक का नाम है नारकोंदाम और दूसरे को कहते हैं बैरन टापू, बैरन आइलैंड। तो पहले नंबर पे अबेरडीन है, दूसरे पे बालासिनोर है महीसागर जिले में। महीसागर गुजरात का वो जिला है जहाँ पे डायनासोर म्यूजियम खुला है। तीसरे नंबर पे, चौथे पे और पांचवे पे, ये भी कोशिश करिए याद करने की। तीसरे नंबर पे जो है वो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, AJK बुरहानपुर। चौथे नंबर पे है तमिलनाडु का थेनी पुलिस स्टेशन। और पांचवे नंबर पे है अनिनी। कहाँ पे है? अनिनी है दिबांग वैली अरुणाचल में, अरुणाचल। तो ये है भारत के 5 सबसे उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? जो ICAO है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और इसे बोलते हैं ICAO, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखिए जो दूसरा हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है वो है IATA का, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और जो तीसरा मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। तो ये तीन हेडक्वार्टर हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। 1994 में पहली बार शुरू किया था हमने ये मनाना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तेलुगु की किताब है जिसका नाम है तेलंगानाज चैरियट ऑफ प्रोग्रेस। चैरियट मतलब होते हैं जो हमारा रथ चलाता है, उसे बोलते हैं रथ चालक को। यानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए एक प्रोग्रेस का रथ बन के आया है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये किताब किसने लिखी है? इस किताब का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने, इसको लिखा है श्रीधर राव देश पांडे ने। सो आंसर है श्रीधर राव देश पांडे, इन्होंने लिखी है ये किताब। तेलंगाना जो है यहाँ पे बतुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है, बतुकम्मा। रायतु बंधु योजना भी चलती है तेलंगाना में, रायतु बंधु। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी है TRS, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, राजधानी हैदराबाद है। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है डियर यानी जिंका, जिसे तेलुगु में बोलते हैं जिंका, वैसे डियर हिरण। और तेलंगाना में मुरुगावनी नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं अमराबाद और कवल। तो तीन टाइगर रिजर्व हैं, दो अमराबाद और कवल टाइगर रिजर्व। अमराबाद जो है ये नागार्जुन श्रीसलाम टाइगर रिजर्व आंध्रा, उसका वो हिस्सा है जो तेलंगाना में आ गया था। तो मुरुगावनी और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। भारत के प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्लॉगिंग क्या होता है? जब आप दौड़ते हो और दौड़ते हुए अगर आप देखते हो सड़क पे कचरा पड़ा है तो आप उसे भी उठाते हो और उसको उठा के फिर दौड़ने लगते हो, इसे बोलते हैं प्लॉगिंग। ना इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है बल्कि देश सेवा भी होती है, क्योंकि आप देश को साफ कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये शब्द यूज़ किया था प्लॉगिंग। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से बीच पर वो गए थे जहाँ पर उन्होंने प्लॉगिंग की थी, कौन सा बीच था वो? तो प्लॉगिंग एम्बेसडर बने हैं रिपु दमन बेवली। वर्ष 2017 को आधार वर्ष के तौर पर लेते हुए सरकार ने किस वर्ष तक पर्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM2.5 में 20-30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा है? यानी जितना प्रदूषण हमारे यहाँ 2017 में था, PM10 और PM2.5 का हमें 20-30% तक कम करना है 2017 के कंपैरिजन में 2024 तक। तो टारगेट रखा गया है 2024। 24 राज्यों में प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू होने के बाद से कुल कितने वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं? इससे जो जनजातीय लोग हैं हमारे, जो ट्राइबल हैं, उनको फ़ायदा होगा वन धन से, और इनके जो उत्पाद हैं उन्हें बेचने के लिए रितु बैरी भी साथ दे रही हैं ट्राइफेड का, TRIFED जो संस्था इनकी मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट की। अगर मान लो आदिवासी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बेचने में हेल्प, जो मार्केटिंग होती है उसमें हेल्प कर रही है रितु बैरी, जो मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। तो भारत में 799 वन धन केंद्र खोले जा चुके हैं। हमारे जो मंत्री हैं वन के लिए वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इनको रोकने के लिए प्रकाश जावड़ेकर। तो 799 वन धन केंद्र खोले जा चुके हैं। भारत किस देश की मदद से हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ये स्थापित करेगा भारत स्वीडन की मदद से। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, और नॉर्वे की है क्रोन, जापान की है येन, दक्षिण अफ्रीका की है रैंड। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्वीडन की है ग्रेटा थनबर्ग, जिनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है कैमरून की डिविना मलूम के साथ। कैमरून के खिलाड़ी भी थे फुटबॉल के जिन्होंने संन्यास लिया है, उनका नाम था सैमुअल एट्टू। तो हमने गवर्नर कर लिए थे आज, अब हम मुख्यमंत्री एक बार कर लेते हैं फटाफट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, पार्टी है BJP। केरल पिनरई विजयन, पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। मध्य प्रदेश के हैं श्री कमलनाथ, पार्टी है कांग्रेस। महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे, इनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे वो भी चुनाव लड़े थे वर्ली से। उद्धव ठाकरे, ये गठबंधन सरकार है यहाँ पे
एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और शिवसेना। तो शिवसेना के हैं उद्धव ठाकरे। बीरेन सिंह, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, बीरेन सिंह। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। मिजोरम के हैं जोराम थांगा। नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। मेघालय में बीजेपी के ही हैं कोनराड संगमा, वैसे गठबंधन भी है यहाँ पे। वी नारायण स्वामी कांग्रेस के हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के हैं। वी नारायण स्वामी हैं पुडुचेरी के, यूनियन टेरिटरी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान के अशोक गहलोत, ये भी कांग्रेस के हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत। सिक्किम में पी एस गोले। तमिलनाडु में श्री एडापड़ी के पलना स्वामी की पार्टी है अन्ना दुर्मक, जिसे बोलते हैं AIADMK। चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के पार्टी है TRS, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। त्रिपुरा के हैं विप्लव कुमार देव, पार्टी है BJP। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, BJP। उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, BJP। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, TMC। आंध्र प्रदेश के हैं जगन मोहन रेड्डी, पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। पेमा खंडू BJP के हैं अरुणाचल प्रदेश, इनके फादर डॉर्जी खंडू भी अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे। असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल, BJP। बिहार के नीतीश कुमार, गठबंधन है BJP के साथ, इनकी पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड। इसको JDS के साथ कंफ्यूज मत करना, जो है जनता दल सेकुलर। HD देवेगौड़ा और HD कुमारस्वामी की पार्टी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, उनकी पार्टी है JDS। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कांग्रेस। दिल्ली अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। गोवा के प्रमोद सावंत BJP। गुजरात के विजय रूपाणी BJP। हरियाणा के मनोहर लाल गठबंधन है जन नायक जनता पार्टी और BJP। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर BJP और झारखंड रघुबर दास BJP। तो ये हैं हमारे सारे मुख्यमंत्री। परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल, जिसका हाल ही में रात में परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। ओडिशा से किया गया था और ये एक सतह से सतह की मिसाइल है। मैंने आपसे एक बार परसों क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसमें सतह से हवाई बताया था, लेकिन सतह से सतह है ये आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे सतह से सतह लिखा है। हालांकि इंटरनेट पे जहाँ मैंने पढ़ा था वहाँ सतह से हवाई था, लेकिन हमें ऑफिशियल जो वेबसाइट है सरकार की, उस पे जो लिखा है वो सही मानना है। तो आंसर है सतह से सतह, ये आप करेक्शन कर लेना। और जो व्हीलर आइलैंड, जिसे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, वहाँ से हम करते हैं ये टेस्टिंग, चांदीपुर ओडिशा। चलिए एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ आपसे। रॉकेट लॉन्च के लिए अभी हमारे पास एक ही जगह है, श्री हरिकोटा नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश। अभी हम दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है, कमेंट्स में लिख के बताइए। इंडिया रैंकिंग सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसको रैंक करने के लिए की गई है, यानी रैंक 1 रैंक 2 किसको रैंक दी जाएगी इंडिया रैंकिंग सोसाइटी द्वारा? ये दी जाएगी भारत के शैक्षणिक संस्थानों को। ये बताया लोकसभा में हमारे जो मंत्री हैं इसके लिए उन्होंने, और जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई 100 पॉपुलर शहरों की लिस्ट में भारत के कितने शहर हैं? जो दुनिया के 100 सबसे पॉपुलर सबसे लोकप्रिय शहर हैं उनमें 7 भारत के हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, जैसे मुंबई, आगरा, तो 7 शहर हैं टोटल भारत के। 5G जो इंटरनेट है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग विस्तार के लिए अमेजोन ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ भागीदारी करी है? ये दूरसंचार कंपनी जो है ये इंडिया की नहीं है, इसका नाम है वेरिजोन। दिव्यांग जन पुनर्वास के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? दिव्यांग जन पुनर्वास के लिए ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को, और ये पुरस्कार दिया हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हाल ही में किस देश ने उइघुर, जो मुसलमान हैं जिन्हें ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में उइघुर, मानवाधिकार नीति विधेयक को पारित करा है जिसे चीन के ऊपर कई और तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकें, क्योंकि चीन ने जो उइघुर मुसलमान है पश्चिमी चीन में शिनशियांग प्रोविंस वहाँ पे बंदी बना रखा है 10 लाख मुसलमानों को, और उन पे चीन अत्याचार कर रहा है। तो आंसर है अमेरिका ने करा है चीन के खिलाफ, तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? रॉबर्ट ओब्रायन।
रॉबर्ट ओ ब्रायन। भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया है? क्लीन आर्ट मतलब क्या होता है? जो आप पेंटिंग करते हो, चित्रकलाएं बनाते हो, उसमें जो ब्रश का इस्तेमाल होता है वो नेवले के बालों से बनाया जाता है, और भारत में हर साल लाखों नेवले मार दिए जाते हैं क्योंकि पेंट ब्रश बनाने के लिए जो बाल होते हैं वो नेवले के होते हैं उसमें। तो इसलिए क्लीन आर्ट किया है कि हमें ऐसी कला नहीं चाहिए जिसमें नेवले खत्म हो जाए भारत से। तो आंसर है नेवला, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य ने वन विभाग के एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड की शुरुआत करी है? एंटी डेप्रिडेशन क्या होता है? प्रिडेशन मतलब होता है किसी का भक्षण करना, किसी को मार डालना। तो एंटी डेप्रिडेशन करा है मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए, और ये करा है अभी अभी असम की सरकार ने। असम की सरकार ने आपोनार आपोन घर शुरू करी है स्कीम, और अरुंधति योजना जिसमें एक तोला सोना दिया जाता है वधू को, वो भी की है। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड। और आपको बता दूं, मानव पशु संघर्ष को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। एक आपदा के तौर पर देखा जाएगा उसे, अगर मानव पशु संघर्ष है राज्य की आपदा, स्टेट डिजास्टर, और इसलिए उनको फिर राज्य के आपदा राहत कोष से पैसा भी, मुआवजा भी मिलेगा। और आपको एक बार उपराज्यपाल बता देता हूँ सारे। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं एडमिरल डी के जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। चंडीगढ़ के हैं वीपी सिंह बदनौर, जो पंजाब के हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का वैसे भी मिलन हो सकता है, इनको आपस में विलय की बात हो रही है, दोनों के हैं प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली के हैं अनिल बैजल। जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा। पौंडेचेरी की किरण बेदी। और लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर। और आज मैं जाने से पहले आपको थोड़े से इम्पॉर्टेंट जलप्रपात बता देता हूँ जो पिछले कई सारे एग्जाम में आए हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये जो लिखे हैं मैंने धीरे धीरे याद कराऊंगा, तो ये अभी सिर्फ 9 लिखे हैं मैंने आज। नदी का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैंने लिख दिया। सबसे पहले तीरथगढ़ और चित्रकूट, दोनों छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ है कांगर नदी पे, और कांगर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पे। दूधसागर गोवा में है, मांडोवी नदी जिसे महादाई नदी बोलते हैं। कुंचिकल है कर्नाटक में वराही नदी पे। नोहकलिकाई मेघालय में। पांडवगढ़ है महाराष्ट्र में, पांडवगढ़ भी बहुत आता है, कुंचिकल भी बहुत आता है। अतिरापल्ली तो अभी आया था एग्जाम में। अतिरापल्ली कहाँ है? केरल में है, चालाकुडी नदी पे। गैरसोपा या जोग फॉल, ये है कर्नाटक में श्रावती नदी पे। और बरकना फॉल कर्नाटक में है सीता नदी पे। तो आज ये आप 9 याद करिए, स्टैटिक जीके इनका अभ्यास करिए, बाकी हम कल इस पे आगे बढ़ेंगे। सो ये था हमारा आज वीडियो 8 दिसंबर का। मिलते हैं 9 दिसंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई क्यू प्रीमियम।